नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ कृतिका और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूं कश्मीर की वादियों में। जी हां, बताने वाली हूं आपको कश्मीर के बारे में सब कुछ, कैसे जाएं, कहां रुकें, कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या कश्मीर सेफ़ है विज़िट करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कश्मीर पहुँचा कैसे जाए। कश्मीर पहुँचने के लिए सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन है, आप फ्लाइट से आ जाइए। जी हाँ, श्रीनगर एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है एंड काफ़ी सारी मेजर सिटीज़ से डायरेक्ट फ़्लाइट श्रीनगर तक की आपको मिल जाएगी। अगर आप इंडिया के बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी बड़ी सिटी के थ्रू यानी वाया दिल्ली या वाया मुंबई आपको इजीली श्रीनगर तक की फ़्लाइट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी रीज़न की वजह से फ़्लाइट से नहीं आना चाहते तो आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक आना पड़ेगा। वहाँ से 300 किलोमीटर्स है श्रीनगर, आप वहाँ से बाय रोड श्रीनगर तक पहुँच सकते हैं। जो लोग ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए है गुड न्यूज़, वंदे भारत ट्रेन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगी। तो कृतिका, बेस्ट टाइम क्या है कश्मीर विजिट करने के लिए? कश्मीर विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि कश्मीर हर एक मौसम में अपना अलग ही एक सुंदरता का रूप लेके आता है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हो। तो मार्च से मई के मौसम में आपको यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन्स मिलेंगे, पूरा कश्मीर फ्लावर से भरा होगा। तो ये तो बहुत ही सुंदर टाइम है अगर आप गार्डन देखना चाहते हो, ट्यूलिप गार्डन फ्लावर से भरे हुए कश्मीर को देखना चाहते हो। इसके बाद आता है समर्स, मई से जून रहता है समर सीज़न। समर सीज़न में भी आपको यहाँ वेदर बहुत ही प्लेजेंट मिलेगा, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, मैक्सिमम 30 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। हाँ, दिन में धूप की वजह से थोड़ा गर्म आपको यहाँ पे फील हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे जाना बेस्ट है एंड हॉलीडेज़ होने की वजह से ये यहाँ का पीक सीज़न है, काफ़ी सारे लोग आते हैं, थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहती है इस सीज़न में यहाँ पे। मानसून सीज़न में कश्मीर की अलग ही बात होती है, पूरा लश ग्रीन हो जाता है ये। लेकिन अगर आप मानसून सीज़न में आने का प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि एक या दो दिन एक्स्ट्रा लेके आएं क्योंकि कभी कभी बारिश की वजह से हो सकता है कोई स्पॉट जहां पे आप जाना चाहते हो वो बंद हो जाए। गंडोला राइड बारिश की वजह से कभी कभी बंद हो जाती है, तो थोड़ा सा दिन एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा आपको। लेकिन मानसून सीज़न में कश्मीर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। वर टू मिड नवंबर जो कि यहाँ का ऑफ सीज़न है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग इस वेदर में गए थे, अक्टूबर के महीने में हम लोग गए थे एंड द वेदर वॉज परफेक्ट। गर्मी भी नहीं थी, ठंडी भी नहीं थी, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती थी, हल्की हल्की धूप खिली रहती थी, बट आई डोंट नो, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं रहती एंड ये कश्मीर का ऑफ सीज़न कहा जाता है। यहाँ पे आपको होटल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलेंगे इस सीज़न में। मिड नवंबर के बाद से यहाँ पे पीक सीज़न स्टार्ट होता है जहाँ पे आपको मिलेगी विंटर्स। मिड नवंबर के बाद यहाँ पे स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप स्नो देखना चाहते हो, स्नोफॉल देखना चाहते हो तो नवंबर एंड से लेके आप फरवरी तक यहाँ पे आ जाओ, बहुत ही सुंदर होता है। इस टाइम कश्मीर पूरा वाइट आपको दिखेगा। बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या कश्मीर सेफ है विजिट करने के लिए। इवन जब मैं भी ट्रेवल कर रही थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, कृतिका क्या कश्मीर सेफ है, तुम जा तो रही हो, तो कश्मीर सेफ है या नहीं, इसका कोई सीधा सीधा आंसर तो मेरे पास नहीं है। पर हाँ, इतना ज़रूर समझ पाई यहाँ जाके कि यहाँ के लोग टूरिस्ट से बहुत प्यार करते हैं, इनकी रोज़ी रोटी है भाई, टूरिज़्म से इनको रोज़ी रोटी मिलती है, तो ये टूरिस्ट को भगवान मानते हैं और आपको हर किसी के चेहरे पे एक वेलकमिंग फील मिलेगा, एक प्यारी सी मुस्कान मिलेगी। तो अब अनहोनी होने को तो खैर घर बैठे भी अनहोनी हो सकती है, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जिस भी शहर में आप रह रहे हो जितना वो सेफ़ है उतना ही कश्मीर भी सेफ है। तो अब बात करेंगे हम कि कश्मीर में आप कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं। तो डे वन में हम लोग घूमेंगे श्रीनगर। श्रीनगर में सबसे पहले गार्डन्स विजिट करिए आप, काफ़ी सारे सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल गार्डन्स बने हुए हैं यहाँ पे। मुगल गार्डन है, निषाद गार्डन है और शालीमार बाग है, तो ये तीनों गार्डन्स काइंड ऑफ सिमिलर ही हैं, तो या तो आप एक ही गार्डन विजिट करें या अगर आपका मन करे तो तीनों गार्डन्स भी आप विजिट कर सकते हैं।
इसके बाद आप चले जाएं शंकराचार्य हिल्स। तो शंकराचार्य हिल्स पे बना हुआ ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ऑलमोस्ट 280 स्टेयर्स क्लाइंब करके जाना पड़ेगा। हाइट पे होने की वजह से यू विल गेट सम स्टनिंग एंड ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफ द सिटी। तो इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं श्रीनगर की लोकल मार्केट। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स, शॉल, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे। ओरिजिनल केसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो लोकल मार्केट किसी ना किसी दिन पे आप ज़रूर इंक्लूड करिए अपनी आइटिनरी में। तो डे टू में आप विजिट कर सकते हो गुलमर्ग। श्रीनगर से गुलमर्ग है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स और यहाँ तक पहुँचने में आपको लगेगा ऑलमोस्ट 1 to 1.5 hours। तो यहाँ आके आप गुलमर्ग के गंडोला का मज़ा ले सकते हैं। तो ये दो फेज़ में चलता है गंडोला राइड। फर्स्ट फेज़ आपको लेके जाएगा अराउंड 2650 मीटर्स अबव सी लेवल। यहाँ पे आप उतर के फोटोज वगैरह ले सकते हो। उसके बाद आप जा सकते हो गुलमर्ग गंडोला फेज टू में। तो गंडोला फेज टू आपको लेके जाएगा अराउंड 3980 मीटर्स अबव सी लेवल ऑन कंदोरी माउंटेन्स नियर बाय अफरावत पीक। अगर आप विंटर्स में आ रहे हो तो गुलमर्ग का अलग ही एक चार्म रहता है। पूरा स्नो से कवर्ड आपको ये गुलमर्ग मिलेगा। काफ़ी सारी स्नो की एक्टिविटीज़ भी इस टाइम पे यहाँ पे होती हैं। तो अगर मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस की यहाँ बात करूँ तो अनफॉर्चुनेटली गंडोला का फेज़ टू बंद था। तो हम लोग फेज़ वन तक आए, उसके बाद हम लोगों ने सोचा अब क्या किया जाए। तो हम लोगों ने घोड़ा हायर किया, वहाँ पे घोड़े चल रहे थे, घोड़ा हायर किया एंड दैट वॉज द मोस्ट एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग एंड डेंजरस जर्नी ऑफ अवर लाइफ। क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था घोड़े पे ट्रैवल करने के लिए, बट हम लोगों को पता नहीं था। बट एंड हम लोगों ने सब सोचा ओके यहाँ तक आए हैं तो कुछ एक्सपीरियंस लेके ज़रूर जाएं। तो हम लोगों ने घोड़ा हायर किया और अपनी थ्रिलिंग जर्नी पे निकल लिए। ऑलमोस्ट 2 घंटे की जर्नी बहुत ही डरा देने वाली थी क्योंकि रास्ता जैसा मैंने आपको बताया अच्छा नहीं था। फिर हम वहाँ तक पहुँचे और व्यूज़ के मज़े लिए एंड फिर वापस आए। इसके बाद आप विजिट कर सकते हो महाराजा हरि सिंह पैलेस। महाराजा हरि सिंह वॉज द लास्ट रूलिंग किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्चुअली में इनका हॉलीडे होम है। ओरिजिनल जो इनका पैलेस है वो होटल ललित में कन्वर्ट हो चुका है आज की डेट में। ये है शिव शंकर टेम्पल, यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। आपने एक गाना सुना होगा जय जय शिव शंकर काटा लागे ना कंकड़, इस गाने की पूरी शूटिंग यहीं पे हुई थी। तो डे 3 में आप जा सकते हो सोनमर्ग। श्रीनगर से सोनमर्ग का ट्रैवल डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स और यहाँ तक पहुँचने में आपको लग जाएगा लगभग 2 घंटा। तो एक जगह पे आके गाड़ी आपकी रुक जाएगी और बोलेगी बूम, हम यहाँ के आगे नहीं जा सकते। फिर कैसे जाएंगे? यस, यू गेस्ड इट राइट, घोड़े पे। तो यहाँ पे आपको हॉर्सेस हायर करने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर जाना 6 किलोमीटर आना यानी 12 किलोमीटर की जर्नी आपको घोड़े पे करनी पड़ेगी। यहाँ तक पहुँचने में आपको जाने में ऑलमोस्ट 3 से 3.5 घंटा लग जाएगा। लेकिन जर्नी काफ़ी स्मूथ है, रोड्स बनी हुई हैं तो बहुत ज़्यादा डरावना रास्ता नहीं है ये। और घोड़ा धीरे धीरे चलता रहेगा एंड जब आप आसपास देखोगे यू विल फाइंड अमेजिंग एंड ब्रेथ टेकिंग व्यूज़। तो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत ये जर्नी रहेगी आपकी। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं थाजीबाज ग्लेशियर के बेस पे। बहुत ही खूबसूरत ये जर्नी रही, पूरी 7 किलोमीटर की जर्नी हम तय करके आए हैं। अब यहाँ पे मैगी खाएंगे और तो ये खिली खिली सी धूप, ठंडी ठंडी हवाएं और गर्मा गर्म चाय, वाह क्या बात है। इस
इसके बाद श्रीनगर के रास्ते वापस जाते वक्त आप विजिट कर सकते हैं खीर भवानी टेम्पल। खीर भवानी मंदिर श्रीनगर के पास एक तुलामुला गांव में स्थित है। यह मंदिर देवी खीर भवानी, जो कि दुर्गा जी का रूप मानी जाती हैं, उनको समर्पित है। तो डे फोर में आप लोग जा सकते हो पहलगाम। श्रीनगर से पहलगाम का ट्रैवल डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स और यहाँ तक पहुँचने में आपको लग जाएगा ऑलमोस्ट 2 to 2.5 hours। तो पहलगाम पहुँचने के बाद एक पॉइंट पे जो गाड़ी आपने हायर की है वो रुक जाएगी एंड कहेगी बूम, हम इसके आगे नहीं जा सकते। तो इसके आगे कैसे जाएंगे, घोड़ा या गाड़ी? तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ से पहलगाम में एक पॉइंट पे आने के बाद जहाँ पे गाड़ी आपकी आपको छोड़ेगी, वहाँ से आप जा सकते हो मिनी स्विट्ज़रलैंड। मिनी स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए आपको घोड़ा हायर करना पड़ेगा, अगेन ऑलमोस्ट 6 kilometers की जर्नी घोड़े पे आपको करनी पड़ेगी। घोड़ा लेके जाएगा, वापस आएगा, 12 kilometers की जर्नी एंड यू विल एंड अप टायरिंग। बट अगर आपके पास टाइम है और आपको घोड़े की जर्नी कम्फर्टेबल लगती है तो आप मिनी स्विट्ज़रलैंड जाएँ। इसके अलावा आप दूसरे साइड जा सकते हैं जहाँ पे आप 3 valleys कवर करेंगे, आरो वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी। तो ये 3 जगह आप कवर करेंगे। यहाँ पे आपको घोड़ा हायर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आप गाड़ी लेके आए हैं वो इसके आगे नहीं जाएगी, आपको अलग से एक गाड़ी हायर करनी पड़ेगी। तो जो गाड़ी हम लोगों ने हायर की थी इनोवा गाड़ी थी, 2700 रुपये इसका प्राइस था। तो ये पहुंच गए हम लोग आरो वैली, अत्यंत ही खूबसूरत ये दृश्य। तो यहीं पे आप ट्राई कर सकते हो लोकल कश्मीरी ड्रेस। ये आ गए हम लोग चंदनवाड़ी, यही वो जगह है जहां से अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं बेताब वैली, बहुत ही खूबसूरत ये वैली है। सनी देओल की एक बहुत ही मशहूर फिल्म बेताब की शूटिंग यहाँ पे हुई थी, इसके बाद इसका नाम बेताब वैली पड़ गया। तो डे 5 हमारा आखिरी दिन है कश्मीर में, तो आप अपने कन्वीनियंस और एज के हिसाब से ये दिन अपना स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड कवर करना तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं और मिनी स्विट्ज़रलैंड कवर करके फिर श्रीनगर की तरफ बढ़ें। अगर आप मिनी स्विट्ज़रलैंड नहीं कवर करना चाह रहे हैं तो थोड़ा आराम से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं श्रीनगर तक की। श्रीनगर पहुंच के आप अपना लोकल मार्केट यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं श्रीनगर की, या पहलगांव के मार्केट में आप शॉपिंग कर सकते हैं। जो आपका मन करे उस हिसाब से आप अपना प्लान डिसाइड कर सकते हैं। और लास्ट दिन है इसलिए हम यहाँ पे रुकेंगे हाउस बोट पे। हाउस बोट का चेक इन स्टार्ट होता है 3 बजे के बाद, तो 3 बजे तक या तो आप मिनी स्विट्ज़रलैंड घूम लें या पहलगांव या श्रीनगर की लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर लें। उसके बाद आप इंटर करेंगे ब्यूटीफुल सी हाउस बोट पे। तो डल लेक में ये हाउस बोट बनी हुई है एंड ये एक्सपीरियंस एक बहुत ही यूनिक और अद्भुत एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस आप ज़रूर लें अगर आप कश्मीर घूमने आ रहे हैं। तो हाउस बोट में चेक इन करने के बाद यहीं से आपको शिकारा राइड मिलेगी, आप शिकारा राइड लीजिए। अगर आप 1 घंटे की शिकारा राइड ले रहे हैं तो बहुत सारे स्पॉट्स आप कवर नहीं कर पाएंगे, इसमें आप मीना बाज़ार कवर नहीं कर पाएंगे। तो प्रेफर करिए कि 3 to 3.5 hours के लिए आप शिकारा हायर करिए, जिससे आप सब कुछ यहाँ पे घूम लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है ये शिकारा राइड का आपका सफ़र, काफ़ी सारे स्पॉट्स आपको इसमें कवर करवाएंगे यहाँ पे। तो पूरी शिकारा राइड का एक्सपीरियंस और हाउस बोट का एक्सपीरियंस अपने आप में ही एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है।
तो अगर आप कश्मीर आ रहे हो तो ये बिल्कुल भी मिस मत करना। तो ये भैया कहवा लेके आ गए हमारे लिए बोट पे। ऑनलाइन शॉपिंग और स्टोर शॉपिंग तो आपने बहुत की होगी, लेकिन पहली बार आप यहाँ पे करेंगे बोट में शॉपिंग। तो ये है यहाँ का मीना बाजार, दी ओनली फ्लोटिंग मार्केट इन इंडिया एंड वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फ्लोटिंग मार्केट। तो यहाँ पे आपको और जगह से थोड़ा सा सामान सस्ता मिलेगा क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं लगता है, बट हाँ आपको बार्गेनिंग काफ़ी करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ध्यान रखिए प्राइस पता कर लें पहले मार्केट से कौन सी चीज़ कितने की है, और परचेजिंग आप यहाँ से सस्ते में कर सकते हैं। अगर आप भारतीय संस्कृति और इतिहास में थोड़ी सी भी रुचि रखते हो तो मार्तंड सन टेम्पल ज़रूर विज़िट करना। पहलगांव से लौटने के रास्ते में आप ये टेम्पल विज़िट कर सकते हो। मार्तंड सन टेम्पल भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण नमूना है। ये मंदिर प्राचीन इतिहास को दर्शाता है और अपने अद्भुत शिल्प और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मार्तंड सन टेम्पल 8वीं शताब्दी में राजा ललितादित्य ने बनवाया था और ये मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि बेस्ट प्लेसेस कौन सी हैं कश्मीर में स्टे करने के लिए। तो डे वन में आप लैंड करेंगे श्रीनगर एयरपोर्ट पे, श्रीनगर ही लोकल एक्सप्लोर करेंगे तो बेस्ट है आप श्रीनगर में ही स्टे करिए। अगर एक और एडवांस लेवल पे आपको जाना है तो रादर देन सिटी में स्टे करने के आप हाउस बोट पे स्टे कर सकते हैं। तो डे टू में आप जाएंगे गुलमर्ग, श्रीनगर से गुलमर्ग 1 से 1.5 घंटा लगता है जाने में, तो आप जाइए और वापस आ जाइए और वापस श्रीनगर में ही स्टे करिए। तो डे थ्री में आप जाएंगे सोनमर्ग, सोनमर्ग जाने के लिए भी श्रीनगर से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आपको आप स्टे करिए श्रीनगर में। सोनमर्ग में भी काफ़ी कॉस्टली मिलेंगे आपको होटल्स। डे थ्री में आप जाएंगे पहलगांव, श्रीनगर से पहलगांव थोड़ा सा दूर भी है इसलिए आपको 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा पहलगांव पहुंचने में, तो बेटर है आप पहलगांव में स्टे करिए। पहलगांव में आपको रीजनेबल प्राइस पे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं होटल्स के। एंड एक चीज़ और भी है कि पहलगांव आप एक दिन में कवर नहीं कर पाएंगे पूरा, अगर आप मिनी स्विट्ज़रलैंड भी घूमना चाहते हैं तो आप एक दिन पहलगांव में ही स्टे करिए। तो मॉर्निंग में उठ के आप एक बहुत ही प्लेजेंट सी वाइब ले सकते हैं पहलगांव में रुक के। इसके बाद लास्ट डे आप स्टे करिए हाउस बोट पे और अमेजिंग सा एक्सपीरियंस लीजिए। तो चलो कृतिका बहुत बढ़िया था, लेकिन ये तो बताओ कि कितना खर्चा हो जाएगा इस पूरी ट्रिप में हमारा। तो एक्सपेंसेस की अगर डिटेल में बात करें तो सबसे पहले तो आपको एक गाड़ी हायर करनी पड़ेगी कश्मीर में घूमने के लिए। छोटी गाड़ी का 2300 और बड़ी गाड़ी का 2800 अराउंड पड़ेगा आपको गाड़ी का चार्जेस फुल डे का। तो खाने पीने की अगर बात करें, एज्यूमिंगली आपका ब्रेकफास्ट होटल में इंक्लूडेड है, तो मेरे ख्याल से 500 रुपये से ज़्यादा आपका एक दिन का नहीं लगेगा खाने पीने में, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो होटल की भी प्राइस बहुत वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह का होटल देख रहे हो। एक डिसेंट होटल आपको 3,000 से लेके 10,000 तक की रेंज में मिल जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपका पोस्ट पेड सिम कार्ड नहीं है तो कश्मीर में वो नहीं चलेगा, आपको आके यहाँ पे एक सिम लेनी पड़ेगी। जियो की सिम आपको 500 रुपये में मिल जाएगी, लेकिन ये सिम जो है वो आपकी यहीं ख़त्म हो जाएगी, आप वापस से अपनी सिटी जाएंगे तो ये सिम कार्ड आपका बंद हो जाएगा। इसके अलावा गंडोला फेज़ वन और फेज़ टू के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा जिसका कॉस्ट अराउंड आएगा 2,000 रुपये के करीब। सोनमर्ग में एक पॉइंट के बाद आपको घोड़ा हायर करना पड़ेगा एंड घोड़े के प्राइस के लिए आपको बहुत ज़्यादा बार्गेन करना पड़ेगा। डिपेंडिंग अपॉन आप कितना बार्गेन कर सकते हो, अराउंड 1,500 से लेके 2,000 तक में आपको घोड़ा मिल जाएगा। तो पहलगांव में भी एक पॉइंट के बाद गाड़ी आगे नहीं जाएगी, आपको दूसरी गाड़ी हायर करनी पड़ेगी। डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ घूमना चाहते हो और कौन सी गाड़ी ले रहे हो, 2100 से लेके 3,000 तक में आपको गाड़ी मिल जाएगी एंड इसके रेट फिक्स्ड हैं। तो खर्चे की अगर बात करें तो इवन अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप होटल्स में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जितने चार्जेस लगने हैं वो चाहे बजट ट्रैवलर हो चाहे लग्जरी ट्रैवलर हो वो तो लगना ही लगना है, क्योंकि यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं तो आपको गाड़ी ही हायर करनी पड़ेगी।
अगर आप ग्रुप में चल रहे हैं तो गाड़ी आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी, लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी। इसके अलावा चाहे आप बजट ट्रैवलर हो चाहे ना हो, घोड़ों का जितना प्राइस लगना है वो तो लगना ही लगना है, उसमें कुछ सस्ता और कम हम नहीं कर सकते। बाकी ट्राई करिए कि जो होटल आप बुक करें उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड हो, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है कहीं से आने के बाद जब आपको रेस्टोरेंट सर्च करने पड़ते हैं ना खाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। मतलब आप होटल में आओ थके हारे और आपको खाना मिल जाए अच्छा, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का कश्मीर का 5 दिन का ट्रिप। हर एक जगह का, हर एक दिन का एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया है, आप मेरे YouTube ब्लॉग में जाके वो चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।